जनता लगा देख रहे हैं सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय में इंद्री में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं सती सता बाबा सिमरन दास महाराज की जो इस समय समाधि का मेला लगा हुआ है, उसको लेकर के लोगों में देख सकते हैं क्यों आस्था है वही दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। लोग जो है देख सकते हैं आप किस तरीके से एक श्रद्धा भाव के साथ इस समय मेले में सम्मिलित होते हुए नजर आ रहे हैं। जो मनोकामना है वो पूर्ण होती नजर आ रही है, उसी के चलते ये खबर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें देख सकते हैं आप तमाम लोग इस समय श्रद्धा के साथ जुड़े हुए हैं और उस आस्था के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। इंद्री में जो कच्ची समाज का मेला लगा हुआ है, उसी के चलते जो श्राद्धों में लगता है सती सात बाबा सिमरन दास महाराज की जो समाधि है उस पर ये मेला लगता है, और उसके बाद जो लोग हैं वो किस तरीके से उस आस्था में जुड़े नजर आते हैं। सीधी तस्वीरें आपको इस समय जनताल खबर दिखा रहे हैं इंद्री से, किस तरीके से देखिए जो लोग हैं जो जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो लोग किस तरीके से इस आस्था में सम्मिलित होते हैं, और जो लोग हैं वो आस्था के साथ जुड़े हुए हैं, जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। गांव में शहरों में जो लोग हैं वो मनोकामना पूर्ण करने के लिए इस तरीके का आयोजन करते हैं, और सीधी तस्वीरें आपके समय जनताल खबर दिखा रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी कि खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। देख सकते हैं जो लोग हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो लोग इस समय नीचे जो है माथा टेक कर और अपने शरीर को पूरा उसमें डालते हुए नजर आ रहे हैं और निशान लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके बाद नीचे कदमों के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। एक आस्था देखने को मिल रही है सती सात बाबा सिमरन दास महाराज के प्रोग्राम में ये देखने को मिलती है, और जो श्राद्धों का प्रोग्राम चल रहा है, जो श्राद्ध चल रहे हैं उसी में एक कार्यक्रम दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोगों से अपील बन रही है कि खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। देख सकते हैं लोग जो हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है उसी के चलते प्रोग्राम दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है और लोग जो है नीचे लेट करके उन मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, और जो मनोकामना मांगते हैं उनके देखते हुए ये आप देख सकते हैं समय जो समाधि पर इस समय मेला लगा हुआ है, श्राद्धों के दिन लगता है और उसी के चलते प्रोग्राम दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। लोग इस समय श्रद्धा भाव से उस रास्ते पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। लोग देख सकते हैं किस तरीके से नीचे लेट करके उस श्रद्धा भाव से चलते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों से अपील बन रही है कि खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, किस तरीके से जो लोग हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो लोग इस श्रद्धा भाव के साथ उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कच्ची समाज पर लेट करके जाते हुए नजर आते हैं। तमाम लोग आप इस समय देख सकते हैं जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे जानने का प्रयास।
लोग हैं मैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आप लोग आए? भरतपुर से। भरतपुर से, तो आपकी क्या मनोकामना थी जो आप यहाँ पर पूरी हुई है? हमारी सब मनोकामना पूर्ण हुई है, जो भी हमने मांगा मन से। क्या मांगा था और जो आप आज इस समय बाबा के चरणों में विलीन होते हुए नजर आ रहे हो, क्या कहेंगे? ये जो भी जो अपने मन से सच्ची आत्मा से इनको पुकारे वो इनकी सुनते हैं और इनकी फिर हम मंत्र मांगते हैं। हम जो भी हमको आप दोगे हम उसके लिए हम अपना वो करेंगे। तो आपने क्या मनोकामना मानी थी और जो क्या कहेंगे? मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी 30 साल की उम्र है, अब शादी हो गई है। ठीक है, तो कह सकते समय जो है शादी नहीं हो रही थी और उसके बाद लोग जो है जयपुर से पहुंचे हैं और उनकी शादी हो चुकी है सच्चे बाबा सिमरदास महाराज की कृपा से। और आज लोगों में उत्साह देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है हर्षोल्लास के साथ आज जो है बाबा की समाधि पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। इंद्री से हम आपको सीधी तस्वीरें समय जनता हल्का पर दिखा रहे हैं। आप लोगों से अपील बन रही है कि खबर को लाइक और शेयर करते रहे। जिस तरीके से 3 दिन का जो समाधि का मेला लगता है उसको लेकर के लोग दूर दूर से आते हैं और लोग आप देख सकते हैं किस तरीके से पहुंचते हैं। क्या कहेंगे, लोगों में कैसा उत्साह है जी? लोगों में कैसा उत्साह है? बहुत अच्छा। देख सकते हैं मनोकामना पूर्ण होती है तो उसके बाद लोग जो है पहुंचते हैं। मैं तो जो भी कहता हूँ सब देश अपना सब वो करें। देख सकते हैं समय लोगों में उत्साह और जोश देखने को बनता है और किस तरीके से जो लोग हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो इस समागम में पहुंचते हैं और किस तरीके का जोश दिखता है और किस तरीके से लोग जो है कच्ची समाधि के मेले में पहुंचते हैं। शरादों में ये प्रोग्राम मनाया जाता है और उसी के चलते ये प्रोग्राम किया जाता है। लोग बाहर से पहुंचते हैं, इंद्री नहीं बल्कि यूपी से, दिल्ली से, अलग अलग जगहों से पहुंचते हैं और उसके बाद ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कच्ची समाधि पर पहुंचने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और हर्षोल्लास के साथ इस समय आप देख सकते हैं नाचते गाते हुए और इस तरीके का प्रोग्राम किया जाता है। जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है उनको लेकर देखिए किस तरीके से एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। लेट करके किस तरीके से मनोकामना पूर्ण करने के बाद यहाँ पर पहुंचते हैं। जुड़े हुए हैं लोग आप देख सकते हैं किस तरीके से नीचे लेटे हुए हैं और नीचे लेट करके उस मनोकामना को पूर्ण करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको इस समय जनता हल्का पर दिखा रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। देखिए किस तरीके से लोग झूमते हुए और किस तरीके से जो मनोकामना पूर्ण होती है उसमें
चंबली धोते हुए नजर आ रहे हैं। इंद्री से हम आपको सीधी तस्वीरें समय जनता हल्का पर दिखा रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहे। देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं जयपुर से पहुंचे हैं, और इस समय आप देख सकते हैं नीचे पैरों के बट और नीचे इस निशान लगाते हुए चलते जा रहे हैं। आस्था दिख रही है और उसी के चलते खबर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। नाचते कूदते हुए इस समय जाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में बने रहो, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहे। मैं आप देख सकते हैं समय श्री राम नाटक अमर क्लब जो रामलीला ग्राउंड इंद्री है वहां पर हम पहुंचे हैं, और कच्ची समाज का जो मेला है वो लगा हुआ है, उसको लेकर के तैयारियां काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, और आज इंद्री में हम पहुंचे हैं जहां पर लोग जो आखिरी दिन है आज कच्ची समाज का, उसको लेकर के आज लोग जो है खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम लोग इस समय आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और किस तरीके से खरीदारी करते हैं, और उसी को लेकर के ये खबर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें तमाम लोग इस समय आप देख सकते हैं इंद्री के और आसपास के क्षेत्र के लोग पहुँचे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। रामलीला ग्राउंड में हम पहुँचे हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग साजो सामान जो है यहाँ पर रखा हुआ है, उसी के चलते ये खबर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं इंद्री हलके के और आसपास के गांव के लोग पहुंचे हैं। किस तरीके का ये कार्यक्रम रहने वाला है और किस तरीके से कच्ची समाज पर लोग जो है मन्नत मांगते हैं, उसी के चलते ये खबर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इंद्री रामलीला ग्राउंड में हम मौजूद हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं इंद्री हलके के और आसपास के गांव के लोग इस समय पहुंचे हुए हैं, और किस तरीके से जो लोग हैं वो इस समाधि के मेले में सम्मिलित होते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपके समय जनता हल्का पर दिखा रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी कि खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। अलग अलग जो है स्टॉल लगी हुई है, चाहे इसमें झूले हैं और चाहे इसमें अलग अलग तरीके के जो स्टॉल हैं वो लगे हुए हैं। देख सकते हैं जो फूल हैं वो भी लगे हुए हैं, और किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचते हैं और अलग अलग इस तरीके का जो समागम है वो इंद्री में किया जाता है। और इंद्री कच्ची समाज के मेले में 3 दिन का प्रोग्राम है, उसमें इंद्री हलके के और आसपास के गांव के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। तो आप लोगों से अपील बनी रहेगी कि खबर को लाइक और शेयर करते रहे। जिस तरीके से इस मेले में रौनक बनती है, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो इस मेले में लुत्फ़ उठाते हैं, मन्नतें मांगते हैं और उसके बाद इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए नजर आते हैं। 3 दिन का ये मेला लगता है और उसके बाद लोग कच्ची समाज के मेले में किस तरीके से झूलों पे झूलते हैं और किस तरीके का ये कार्यक्रम रहता है वो दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से जो लोग हैं वो इस मेले में भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं, और किस तरीके से इस जोश और उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए नजर आते हैं, और अलग तरीके का ये जोश देखने को मिलता है, उसी के चलते खबर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं झूले हैं और देख सकते हैं इस समय किस तरीके से जो बच्चे हैं वो झूलों पर झूलते हुए नजर आ रहे हैं। इंद्री कच्ची समाज का जो मेला लगा हुआ है उसको लेकर के कई दिनों से आयोजन किया जा रहे हैं, और आज 3 दिन का जो मेला था वो आज समाप्त होने वाला है, उसी को लेकर के खबर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें तमाम झूले लगे हुए हैं और इसमें बच्चे बूढ़े नौजवान सभी सम्मिलित होते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं बड़े झूले जो हैं वो भी आप देख सकते हैं किस तरीके से लगे हुए हैं। सारी जो एक्टिविटी है इंद्री में इस समय मेले लगे हुए हैं जो कच्ची समाज के, वो भी जानने का प्रयास किया जाएगा। तस्वीरों में बने रहे और खबरों को लाइक और शेयर जरूर करते रहे। आप इस समय देख सकते हैं जो झूले लगे हुए हैं उनमें किस तरीके से जो बच्चे हैं नौजवान हैं इन झूलों में झूलते हुए नजर आ रहे हैं। टिकट का बंदोबस्त किया जाता है, लोग यहाँ से टिकट लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो झूले लगे हुए हैं उन झूलों में झूलते हैं,
उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब कितने की टिकट है? 60 रुपए की टिकट है, तो उसमें इन झूलों में झूलने का मौका मिलता है। 25 मार्च का जो मेला लगा हुआ है उसको लेकर के 3 दिन का जो मेला है वो चलता है, और उसके बाद लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। श्राद्धों के दिनों में ये जो मेला है वो लगता है, और उसके बाद लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। तो किस तरीके का ये कार्यक्रम रहता है वो भी जानने का प्रयास किया जाएगा। देख सकते हैं अलग अलग तरह की स्टॉल लगी हुई हैं, और किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचकर उन झूलों का, उस मेले का लुत्फ़ उठाते हुए नजर आते हैं। सीधी तस्वीरें समय आपको जनता हलका पर दिखा रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी कि खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, और किस तरीके से इन झूलों में किस तरीके से पहुँचते हैं, देखिए किस तरीके से, देखिए लुत्फ़ उठाते हुए नजर आते हैं और उन झूलों का आनंद लेते हुए नजर आते हैं। इंद्री, इस समय सतीजत बाबा सिमरन दास की जो कच्ची समाधि है वहां पर हम मौजूद हैं। रामलीला ग्राउंड में हम मौजूद हैं, जहां पर लोग पहुंचे हैं और इस मेले का जो लुत्फ़ है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको इस समय इंद्री से दिखा रहे हैं, जहाँ पर लोग पहुँचे हैं और किस तरीके से एंजॉय करते हुए नजर आ। आप देख सकते हैं इस समय किस तरीके से जो अलग अलग स्टॉल लगी हुई हैं उसमें किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचते हैं, और उसी के चलते ये प्रोग्राम दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और उसी के चलते खबर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं सतीसत बाबा सिमरन दास की जो इस समय समाधि का मेला लगा हुआ है उसी के चलते खबर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो पहुंचे। आप देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग फूल जो हैं वो लगे हुए हैं, आर्टिफिशियल फूल हैं वो लगे हुए हैं, लोग यहां पर खरीदने को आते हैं। किस तरीके का ये कार्यक्रम रहता है, 3 दिवसीय ये कार्यक्रम होता है जो कच्ची समाधि का मेला लगता है इंद्री में आयोजित होता है, और उसके बाद लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, मनोकामना मांगते हैं, और जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है उसके बाद लोग यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और किस तरीके से लोग यहाँ पर प्रसाद वितरित करते हैं। सीधी तस्वीरें आपको इस समय जनता हलका पर दिखा रहे हैं। आप लोगों से अपील बनेगी खबर को लाइक और शेयर करते रहें।